हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुचेता शर्मा गणपति डेंटल क्लिनिक से, और आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि रूट कनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद रूट कनाल ट्रीटेड दांत के साथ क्या होता है और आरसीटी फेलियर्स क्यों होते हैं। एक अच्छे से की गई आरसीटी जिसके ऊपर एक अच्छी फिटिंग का क्राउन लगा हो, ज़्यादातर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पर इसके लिए आपको डेली ब्रश करना होगा, अच्छे से ओरल हाइजीन मेंटेन करनी होगी, डेली फ्लॉसिंग करनी होगी, तभी जाकर ये पॉसिबल होता है, ताकि रूट कनाल ट्रीटेड दांत के आसपास खाना ना फंसे और आपको कोई दर्द परेशानी ना रहे। जब हम बात करते हैं अच्छे से की गई रूट कनाल ट्रीटमेंट की, तो उसका मतलब है हम आपके दांत पर काफ़ी मेहनत करते हैं, दांत की जड़ों को ढूंढकर अच्छे से उनको क्लीन करते हैं और उनके अंदर नकली जड़ें डालकर उनको सील कर देते हैं, ऊपर से फिलिंग कर देते हैं, दांत के काफ़ी सारे एक्सरे लेते हैं, काफ़ी समय आपके दांत पर लगाते हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आपको कोई दर्द परेशानी लंबे समय तक ना हो और आपका दांत आपका काफ़ी समय तक साथ दे। लेकिन इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इतनी सब मेहनत करने के बाद भी आरसीटी फेल हो सकती है, और आप ये जानकर सरप्राइज भी होंगे कि सिर्फ 1% चांसेस हैं आरसीटी फेलियर के, अदरवाइज 99% चांसेस आरसीटी सक्सेस के होते हैं। और अब ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं तो आपको बता देते हैं कि आरसीटी क्यों फेल होती है, ऐसी नौबत क्यों आती है कि अल्टीमेटली हमें दांत को निकालना पड़ता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण ये देखा गया है कि आरसीटी और कैपिंग का लेंथी प्रोसीजर होने की वजह से कई बार पेशेंट आता नहीं है और ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट रह जाता है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट फेलियर होते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि आरसीटी वाले दांत के आसपास खाना फंसा रहता है और पेशेंट इस चीज़ को इग्नोर करता है, जिससे कि आसपास के मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाता है, बोन लॉस होता है और अल्टीमेटली दांत को निकालने की नौबत आ जाती है। कई बार ये भी देखा गया है कि इन्फेक्शन कुछ टाइम बाद दोबारा हो जाता है, जिसे कि हम इन्फेक्शन रिकरेंस कहते हैं, और ऐसी सिचुएशन में या तो दांत को निकालना पड़ता है या फिर हम सर्जरी करके इन्फेक्शन को रिमूव करते हैं, जिसे कि एपिसेक्टमी प्रोसीजर कहते हैं। और बहुत बार कुछ ऐसे रीज़न भी होते हैं जिन्हें साइंस पता नहीं लगा पाई है, यानी एक्सरे में इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ ठीक होने के बावजूद पेशेंट को दर्द रहने लगता है, थोड़ा थोड़ा दर्द बना रहता है और दांत को निकालने के अलावा कोई और ऑप्शन डेंटिस्ट के पास बचती नहीं है। बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है कि आरसीटी के प्रोसीजर को ठीक से ना किया जा सका हो, जैसे कि फाइल सेपरेशन, इंस्ट्रूमेंट ब्रेकेज, या फिर दांत की कैनाल्स कैल्सीफाइड हो सकती हैं, या फिर पेशेंट का मुंह खुलना कम होता है, यानी माउथ ओपनिंग कम होती है, और लास्ट रीज़न ये भी हो सकता है कि मसूड़ों में पायरिया लग जाए, पायरिया लग जाने की वजह से मसूड़े दांतों का साथ छोड़ने लगते हैं और दांत लूज होने लगते हैं और दांतों को निकालने की नौबत आ जाती है। पर ओवरऑल आरसीटी काफ़ी सक्सेसफुल इलाज है और इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आरसीटी फेलियर्स ना हो। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप गणपति डेंटल क्लिनिक से ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।